को दे देते हैं एक बार फिर से। एल्विश यादव को कोटा से गिरफ्तार होने की सूचना मिल रही है। एल्विश यादव के कोटा से गिरफ्तार होने की सूचना हमें मिल रही है क्योंकि एल्विश यादव को टीमें ढूंढ रही थी, अलग अलग टीमें गठित कर दी गई थी। यूपी पुलिस लगातार खोज रही थी एल्विश यादव को, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी। हालांकि एल्विश यादव ने अपना पक्ष भी रखा था और कहा था मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि उनका बाकायदा नाम सामने आया है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने उसका नाम लिया, इसके बाद ही एल्विश यादव को हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। कोटा से गिरफ्तार होने की सूचना मिल रही है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ मिले हैं। सत्यनारायण, इस खबर को लेकर जानकारी दीजिएगा, एल्विश यादव के कोटा से गिरफ्तार होने की सूचना है क्या? दीपिका देखिए, सूचना नहीं बल्कि जो हम पुष्टि कर रहे हैं अधिकारी हमसे कि हाँ एल्विश को कोटा में दबोच दिया गया है। तीन राज्यों की पुलिस एल्विश की तलाश कर रही थी। माना जा रहा है कि जो सांपों का जहर होता है उसको रेव पार्टी के अंदर सप्लाई करने का इसके ऊपर आरोप था, बिस्कनिया सप्लाई करने का इसके ऊपर आरोप लगा था, उसी को लेकर लगातार तीन राज्यों की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। और नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सिविल की टीमें लगातार एल्विश यादव के पीछे थी। हालांकि एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी करके ये भी बताया था कि मैं निर्दोष हूँ, वो मेरे ऊपर लगाए गए तमाम जो इल्जाम है वो झूठे हैं, लेकिन पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और रेव पार्टी को लेकर विवाद के अंदर आए थे एल्विश यादव और सरद जिस को लेकर भी बताया जाता है कि बिग बॉस में ये रहे हुए हैं, बिग बॉस टीम रहे हुए हैं एल्विश यादव और सांपों के जहर को लेकर ये काफी विवाद में रहते हैं कि सांपों के जहर की सप्लाई करते हैं, जिससे कि रेव पार्टी के अंदर जो युवा होते हैं उनको नशे के लत लगाई जा सके। ऐसे में अब एल्विश को गिरफ्तार करने की सूचना है वो हमें मिल रही है और अब जो नोएडा की पुलिस टीम है वो एल्विश को लेकर नोएडा के लिए रवाना होने की सूचना भी दीपिका हमें मिली। लेकिन सत्यनारायण ये भी बताइए, कोटा में कहां से गिरफ्तारी हुई है? आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि एल्विश यादव को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनी संख्या में टीमें पहुंची हैं, अब आगे क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए नोएडा से जो पुलिस टीम थी लगातार एल्विश के पीछे थी और नोएडा के साथ साथ राजस्थान पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी इसके लिए विशेष टीम रखी थी। तीन राज्यों की पुलिस एल्विश के पीछे थी और माना जा रहा है कि कोटा के अंदर जो हालांकि स्थान कौन सा है इसका अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कोटा जिले के अंदर एल्विश को पकड़ा गया है। अब उसको स्थानीय पुलिस से पूछताछ करी और साथ साथ स्थानीय को सूचना देने के बाद में अब एल्विश को नोएडा लेकर जाया जा रहा है, जहां पर नोएडा में जिस थाने के अंदर केस दर्ज है वहां पर एल्विश से पूछताछ की जाएगी और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी पुष्टि की जाए, क्योंकि बिग बॉस घूम रहे हैं, बिग बॉस साथ साथ रेव पार्टी के अंदर जो विषाक्त सांप होते हैं उनके जहर की सप्लाई का इनके ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि इन्होंने आरोप लगने के बाद में अपने ऊपर जितने भी आरोप लगाए थे उनको साफ कहा था कि मैं इसमें आरोप में बिल्कुल नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम टूटा उछाला गया है। ऐसे में एफआईआर के आधार पर उनको गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है दीपिका। हालांकि थोड़ी देर के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरे इस गुत्थी का सुधारा करेंगे और जल्दी उनकी जो जो आपाधिक होने का है वो जारी करेंगे जी। सदर एक बात और, यहाँ पर जरा ये भी साफ करिएगा, यहाँ पर क्या किसी के यहाँ वो छिपे हुए थे या फिर किसी के यहाँ रुके हुए थे, कोई और भी उनके साथ मौजूद था क्या? देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया कि कोटा ग्रामीण के अंदर एल्विश को पकड़ा गया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एल्विश की कार रुकवाई थी जहां पर इसको दबोचा गया। फिलहाल नोएडा के जो पुलिस अधिकारी है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब एल्विश से ताजा पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले के अंदर अब डीजीपी उमेश मिश्रा ने भी स्पष्ट पुष्टि कर दी कि हाँ एल्विश को दबोच दिया गया कोटा में कड़ी नाकाबंदी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। इस नाकाबंदी के अंदर जो एल्विश है वो कोटा ग्रामीण जिले के अंदर पकड़ा है। कावेंद्र सिंह सागर जो की मार्च के एसपी हैं वो लगातार पीछे तक उनको ध्यान था कि ये एल्विश यहाँ पर आ सकता है, तो ऐसे में कोटा में पहले ही जाल बिछाया हुआ था, करीबन 180 स्थानों पर नाकाबंदी करवाई गई थी। अब हालांकि स्थानीय पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा होने की बात कुछ नहीं कही है। ऐसे में नोएडा पुलिस अधिकारी है उनको जानकारी दे दी गई, नोएडा पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, फिलहाल एल्विश से पूछताछ की जा रही है। नहीं तो सत्यनारायण एक बात यहाँ पर साफ करेगा, नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है नाकेबंदी के दौरान इसको पकड़ा गया है, तो नोएडा पुलिस को भी क्या उसी समय इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि काफी जल्दी यहाँ पर नोएडा पुलिस भी पहुंच गई है? दीपिका देखिए नोएडा पुलिस के इनपुट पर ही एल्विश को कोटा ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा है। नाकाबंदी की हुई थी, नोएडा पुलिस का अफसर इनपुट था कि एल्विश एक गाड़ी के अंदर है, उस गाड़ी के नंबर साझा किए गए कोटा ग्रामीण पुलिस से और उसके बाद के अंदर नाकाबंदी, चूंकि नाकाबंदी पूरे प्रदेश में जारी थी, ऐसे में नाकाबंदी के आधार पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही थी और जब एल्विश एक गाड़ी के अंदर है तुरंत वहां से एल्विश को दबोच ले गया। फिलहाल डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यहाँ पर उनसे दबोच लिया गया है, लेकिन
कोटा ग्रामीण और कोटा शहर दोनों ही जिलों के अंदर जो थाने हैं उन थानों के अंदर एलजी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। ऐसे में अब नोएडा पुलिस को हालांकि उनको ध्यान था तो नोएडा पुलिस को मुख्य बुलाया गया जिससे कि वो एलजी गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद में अपने साथ नोएडा लेकर जा सके। तो फिर यहाँ पर फिर क्या प्रोसेस रहेगा सत्यनारायण, क्या आप बता रहे जिस तरीके से यहाँ पर कोई मामला दर्ज नहीं है तो सीधे क्या हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आज ही नोएडा पुलिस लेकर रवाना हो जाएगी अल्पेश यादव को? बिल्कुल दीपिका, देखिए अपराधी चाहे कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर उसके खिलाफ किसी एफआईआर थाने में एफआईआर होता है तो कोई भी राज्य की पुलिस उसको पकड़ सकती है और संबंधित जो थाना है उसको ये सूचना दे सकती है कि हमने आपके जो आरोपी है उसको पकड़ा है, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, थाने में लिख के देना होता है कि इस अल्पेश यादव नाम के व्यक्ति को यहाँ से दबोच लिया गया है और यहाँ से कोटा ग्रामीण पुलिस ने अब जो यूपी पुलिस है उसके हैंड ओवर कर दिया। तो एक सिंपल फॉर्मेलिटी होती है, नोएडा से कुछ ही देर के अंदर पुलिस के आला अधिकारी और जो टीम है वो पहुंचने वाली है और उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद में तो अग्रिम पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर और बड़ी सफलता भी है राजस्थान पुलिस की। हम कह सकते हैं कि अल्पेश यादव जैसे बड़े जो जिस व्यक्ति को तीन रात को पुलिस ढूंढ रही थी उसको ढूंढने के अंदर तलाशने के अंदर यहाँ पर सत्यनारायण साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर काम आए क्योंकि स्थानीय पुलिस की मदद के बिना इस तरीके से गिरफ्तारी संभव नहीं थी। बिल्कुल दीपिका, देखिए राजस्थान के अंदर मैं बता दूंगा आपको कि राजस्थान में आचार संहिता के बाद में लगातार रोजाना नाकाबंदी की जा रही है। हर करीबन 780 से अधिक जो पॉइंट्स है वो राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं तो हर पॉइंट्स पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई थी और ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान इस अल्पेश की कार को रुकवाया गया और उसको दबोच लिया गया। फिलहाल अल्पेश से पूछताछ शुरू कर दी गई क्योंकि गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकती दीपिका राजस्थान पुलिस क्योंकि अल्पेश के खिलाफ राजस्थान की कोटा जिले और कोटा ग्रामीण जिले के अंदर कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, कोई भी वारंट खिलाफ नहीं है। ऐसे में इसको डिटेन किया गया यानी कि हिरासत में लिया गया है और तुरंत प्रभाव से जो नोएडा पुलिस है उसको सूचना देगी कि आपकी सूचना के आधार पर हमने इसको पकड़ लिया है। अब नोएडा से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है एसपी कंसन में और थोड़ी देर में अल्पेश की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सत्य यहाँ पर तमाम सवाल है, सवाल ये है कि अल्पेश यादव लगातार ये आरोप जो उन पर लगाया गया उसे निराधार बताते रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर वाकई में ये आरोप निराधार थे तो सरेंडर क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है यूपी में। लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई को देखा जाए तो क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है अल्पेश यादव पर? देखिए ये पशु अधिनियम के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था अल्पेश के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे थे, बिग बॉस फेम के रूप में भी अल्पेश यादव जाने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि जो रेव पार्टियां होती है नोएडा और नोएडा के आसपास के जो पब है बार है उसके जो पार्टियां होती है उसके अंदर ये सांपों का जहर यानी कि जो है उसमें। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देश के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अल्पेश यादव को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचाई। रेव पार्टी लेकर विवादों में अल्पेश यादव आए थे, सर्प विष को लेकर भी विवादों में आए थे बिग बॉस फेम अल्पेश यादव। यूट्यूबर है, बिग बॉस पहुंचे लेकिन वहां से जीत हासिल हुई और भी ज्यादा फेम मिला। लेकिन फिलहाल आरोपों से घिरे हुए हैं, विवादों से घिरे हुए रेव पार्टी को लेकर विवादों में अल्पेश यादव आए। सर्प विष को लेकर, सर्प विष उपलब्ध कराने को लेकर, रेव पार्टी को लेकर उन पर गंभीर आरोप है। और जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कई और युवकों की हुई तो फिर अल्पेश यादव का नाम सामने आया। बाकायदा आपको बता दें कि बाकायदा टीम ने जाल बिछाया था, टीम के सदस्य जहर को लेकर, जहर खरीदने को लेकर पहुंचे थे। इस तरीके से जाल बिछाया गया था और ये मांगा गया था कि हमें इस तरीके से इस सांप का जहर चाहिए वहां पर। हालांकि जो टीम थी उन्होंने ये भी कहा कि कहीं गिरफ्तारी तो नहीं होगी, कहीं कोई ऐसे तो नहीं किसी टीम के सदस्यों। जब पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया तब जाकर इन सदस्यों ने जो कि जहर का जो विष उपलब्ध करा रहे थे उन्होंने उपलब्ध कराया और टीम ने पकड़ लिया। और जब पकड़ हो गई उसके बाद अल्पेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गुल मोहम्मद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। गुल मोहम्मद, आपके पास और कोई जानकारी है कि अल्पेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है ये तो पुष्टि कर दी है सत्यनारायण ने? हाँ जी देखिए, बिल्कुल कोटा जिले के सुकेत से इसकी जो है गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये जो अल्पेश यादव है वो रेव पार्टी और जो स्नेक के जो जहर जो होते हैं उसको लेकर जो है वहाँ से फरार चल रहा था। काफी टाइम से जो है इसकी तलाश चल रही थी। ऐसे में आज जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कोटा ग्रामीण का जो सुकेत कस्बा है वहां से इसकी गिरफ्तारी होना सामने आ रहा है। अभी फिलहाल जो सिटी के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात से तो इनकार किया है गिरफ्तारी से, लेकिन जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर यही है कि कोटा जिले के सुकेत से जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। या तो वो दिल्ली पुलिस जो है सुकेत पहुंची है सीधे और वहां से जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी गुल मोहम्मद, एक और जानकारी कि यहाँ से भी भागने की फिराक में था लेकिन नाकेबंदी के दौरान पकड़ा गया।
जी बिल्कुल, देखिए यही खबर सामने आ रही है कि जगह जगह जो है पूरे देश भर में एलविश यादव की जो है तलाश की जा रही थी। ऐसे में कोटा का जो छोटा सा कस्बा है सुकेत कस्बा, वहाँ की वहाँ पर जो जिस तरह से अभी चुनाव चल रहे हैं तो उसको लेकर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वहाँ पर सघन जांच चल रही है, तो उस दौरान जो है इसके पकड़े जाने की सूचना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है और हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है पुलिस इस मामले का खुलासा करे। मोहम्मद, अभी हमारे पास इसके अलावा और क्या जानकारी है? नोएडा पुलिस ने कब कोटा पुलिस से संपर्क किया और ये बताया कि यहाँ पर पूरी संभावना है एलविश यादव के होने की? जी देखिए, जैसे ही अभी खबर सामने आई है तो पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि कोटा से काफी दूर ये इलाका पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है, और इस ग्रामीण क्षेत्र में किस सीमा पर और किस जगह पर जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी जो है जानकारी अधिकारी जुटा रहे हैं। और दिल्ली और नोएडा पुलिस भी जो है कोटा की जो है सीमा पर पहुंची है, इसकी जानकारी हमें लगी। जी गुल मोहम्मद, क्या नोएडा पुलिस अब रवाना हो चुकी है एलविश यादव को लेकर नोएडा के लिए? जी देखिए, अभी नोएडा पुलिस से तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको जो है हिरासत में लिया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद में जो है अब उसे उसको किस जगह पर कोटा में रखा गया है या वो जो है वापस नोएडा या दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, इसके बारे में जो है पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। बिल्कुल, तो पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है, हालांकि डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से पुष्टि इस बात को लेकर की गई है। गुल मोहम्मद, और कोई जानकारी इस हिरासत में लेने को लेकर एलविश यादव को? जी देखिए, जिस तरह से ये कई प्रकरणों में फरार चल रहा था, जो रेव पार्टीज हो चुकी थी उसके अंदर जो है, जब बिग बॉस 2 का जो है विजेता भी रहे हैं, तो काफी चर्चित नाम है, यूट्यूबर है फेमस, तो ऐसे में काफी टाइम से जो है लंबे अरसे से इसकी तलाश चल रही थी और जगह जगह धरपकड़ की जा रही थी। तो पूछताछ होगी कि कोटा में किस किस जगह पर जो है ये किन किन ठिकानों पर रुका है, या फिर सीधे जो है कहीं कोटा से बाहर निकलने की फिराक में था, तो ये कहां कहां पर कोटा में ठहरा हुआ है, इसके बारे में भी जो है अभी जानकारी जुटाई। अच्छा, पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या? स्थानीय पुलिस की तरफ से कुछ और बताया गया? जी अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर से यहाँ पर से जो है सूचना नहीं मिली है, लेकिन यही सामने आया है कि कोटा जिले की जो सुकेत कस्बा है वहाँ से जो इसकी गिरफ्तारी हुई है नाकेबंदी की। गुल मोहम्मद, इसके अलावा क्या प्रोसेस रहेगा? नोएडा पुलिस को क्या सौंप दिया गया है एलविश यादव को? जी बिल्कुल, देखिए उसको गिरफ्तार करने की जो है अभी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है यहाँ कोटा से, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है यहाँ पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला है और जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है तो दिल्ली और नोएडा पुलिस इस बारे में जो है पूरा तौर पर जो है जानकारी दे पाई। चलिए ठीक है गुल मोहम्मद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एलविश यादव को कोटा से हिरासत में ले लिया है, नोएडा पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है। रेव पार्टी को लेकर विवादों में आए थे एलविश यादव, गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं और इसके मद्देनजर क्योंकि FIR भी उनके खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। अब हालांकि हिरासत में उन्हें ले लिया गया है, लेकिन अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना होगा, क्योंकि कई युवक कई लोग इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो निराधार आरोपों को एलविश यादव बता रहे हैं उन निराधार में क्या उनके पास पुख्ता तथ्य हैं जिसके आधार पर वे कह रहे हैं कि आधार बिल्कुल निराधार है जो आरोप